दिनों तक डिलीवरी हो रही है, कैसे हो रही है, कैसी गुणवत्ता उसमें क्या हो रहा है, इन सब के बारे में हम आपस में थोड़ा चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। और जो जो एप्स है अपने इस शिक्षण से संबंधित, उन एप्स की जानकारी हम कितनी दे पाए हैं, कितना हम हमारे आचार्यों को उसका नॉलेज है, इस पर भी हम अभी चर्चा करें। और आगे हम प्रांत स्तर पर क्या योजना करके इसको बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, नियमित रूप से हमारे कंटेंट्स जो है सब्जेक्ट में सिलेबस के अनुसार कंटेंट्स पहुंचे, नियमित पहुंचे। वो प्रांत स्तर पर जैसा भाई साहब ने बताया कि एक दिन प्रांत से होता है, एक दिन अखिल भारतीय स्तर पर भी अपना हो सकता है। इस प्रकार से हम आपस में किस प्रकार से एक ये साझा एक अपन एक समन्वय करें जिससे कि अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी हो सके और हम बढ़ सकें। और विद्यालयों में जहाँ तक कंप्यूटर लैब की बात है और स्मार्ट क्लास की बात है, कंप्यूटर की बात है और इंटरनेट कनेक्शन की बात है, और प्रांत स्तर पर भी हम ठीक प्रकार से एक अच्छा सा इसके लिए स्टूडियो बना सकते हैं, और इस सब के बारे में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं जोधपुर प्रांत से निवेदन करूंगा कि जोधपुर प्रांत में क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, और क्या हम मार्गदर्शन ले सकते हैं राकेश जी से। हमारे बीच आदरणीय शिवजी भाई साहब भी बैठे हैं और उनका भी मार्गदर्शन होगा, तो हम चर्चा प्रारंभ करेंगे सबसे पहले जोधपुर प्रांत से। जोधपुर प्रांत से पहले भगवत दान जी शुरू करिए, फिर चंदन सिंह जी बताएंगे और फिर अजय जी वैसा बताएंगे। भगवत दान जी, जी नमस्कार, फिर मैं प्रांत की संकलित जानकारी दे दूंगा। एक आवाज आ रही मेरी? बार हाँ बराबर आ रही है। जी वैसा, अभी तक जो हुआ है उसमें पूरे प्रांत में ही सभी जिलों के अंदर विभिन्न स्तर बना करके समूहों के अंदर ई कंटेंट और वीडियो बनाने के, ये जो विभिन्न प्रकार के एप्स है इनका उपयोग कैसे किया जाए इसका प्रशिक्षण दिया गया है, और उसके माध्यम से वीडियो और ई कंटेंट का निर्माण भी हुआ है और वह विद्यार्थियों के बीच स्प्रेड भी हुआ है यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको लिंक भेज करके। और अभी एक ऐप भी प्रांत स्तर पर निर्माणाधीन है, अंडर प्रोसेस चल रहा है, वो दो विद्यालयों में उसका अभी टेस्टिंग चल रही है, और अभी सारे प्रांत के हर एक जिले से एक एक विद्यालय को और जोड़ने की प्रोसेसिंग चल रही है। तो उस ऐप में भी ये जो सारे वीडियो बनेंगे, ये सारे वीडियो उस ऐप के अंदर भी यूट्यूब में चढ़ाने के पश्चात उसको अनलिस्ट करके और उस ऐप के माध्यम से सभी विद्यालयों को जोड़ करके, सारे विद्यार्थियों को जोड़ते हुए उस ऐप का उपयोग करते हुए ये सारा कुछ करने वाले हैं। प्रशिक्षण जो हुए हैं अलग अलग स्तर के, उसमें पाठ्यक्रम का विभाजन कैसे करना, पाठ्यक्रम हर एक पाठ का विभाजन कैसे करना, उसका ई कंटेंट जो पीपीटी और पीडीएफ के माध्यम से बनाना है, अलग अलग विषयों में कैसे कैसे बनाया जा सकता है, और फिर उसके माध्यम से वीडियो का निर्माण, वीडियो की एडिटिंग, ये सब प्रकार के हुए हैं और काफी कुछ सुधार भी बहुत कुछ हुआ है जो प्रारंभ हुआ था उसमें, और आज जो वीडियो बन रहे हैं उनमें बहुत कुछ सुधार भी हुआ है, और ये प्रोसेस को निरंतर चलाने की जरूरत है ही, इसलिए प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी तो सभी प्रधानाचार्य और आचार्य इसमें और अधिक निष्णात होंगे। जी वैसा जी, चंदन सिंह जी, चंदन सिंह जी, कुछ बस आप जो बात भाईसान बोल दी उसके अलावा कोई बात? जी जी विस्तार। जिला स्तर के सभी आचार्यों का प्रशिक्षण हो गया है और जिला स्तर का पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित है। प्रत्येक आचार्य वीडियो बनाता है, उसकी अलग अलग स्तर की टोलियां बनी हुई है, वो प्रत्येक वीडियो बनाकर अपनी टोली में भेजता है। वहां पर उन वीडियो को देखा जाता है, सुझाव है तो वहां पर सुझाव दिया जाता है। उनमें से चयनित वीडियो जिले के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जा रहे हैं, और ये व्यवस्था बहुत अच्छे प्रकार से चल रही है। इनके अलावा विद्यालयों में भी जैसा विसार ने कहा कि अपने को इस प्रकार का तैयार करना चाहिए, तो उसका भी प्रयत्न चल रहा है। चार विद्यालयों में इस प्रकार के रूम तैयार हो गए हैं जहाँ आचार्य अपने अच्छे वीडियो बना सके,
इस प्रकार की तैयारी ये चल रही। अजय जी भाई साहब कुछ जोड़ना चाहें? जी भाई साहब लगभग सब बातें, जी लगभग सब बातें आ गई है। बस ये अपने जिले में भी इसी प्रकार से चार समूह बनाए गए थे और चारों समूह के एक एक प्रभारी प्रधानाचार्य को रखा, हर विषय का प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया और उसमें से सारा मैटर दो बार चेक करने के बाद और आता था और उसको भिनमाल में हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट में हमने वो सेव किए सबको और YouTube के लिंक को और भेज करके और सभी विद्यालयों में और पढ़ाया जा रहा है। अभी चालना देने की दृष्टि से एक एक विषय को ही पढ़ाया जा रहा है। योजना है आने वाले 2-5-7 दिन बाद में दो विषय पढ़ाए जाएं, लेकिन अभी उसके साथ साथ गृह कार्य देने की जो मॉनिटरिंग है वो अभी थोड़ी हमारी प्रभावी नहीं हुई है, उसको थोड़ा प्रभावी करने की योजना बन रही। कुछ विद्यालयों ने गूगल फॉर्म्स पर और ये गूगल क्लासरूम इन पर गृह कार्य देना प्रारंभ किया है, लेकिन कुछ में अभी हमारे शेष है इसमें। जी पूनम जी भाई साहब कुछ जोड़ना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं। जी भाई साहब बहुत जानकारी मिली है जोधपुर प्रांत की और अब जयपुर पर। जी ठीक है, आगे बढ़े नहीं, आगे बढ़े लास्ट, आगे बताएंगे भाई साहब, एक बार आगे बढ़े आप। जी और अब इसी क्रम में जयपुर प्रांत से चूरू जिले में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लक्ष्मण सिंह जी आप जानकारी देंगे। लक्ष्मण जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। चूरू जिले में हालांकि जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था उस समय से ही हमने इस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेज या ओवर चलाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए थे। हमने अभी जो प्रयास चल रहे हैं उसमें जो अपना पाठ्यक्रम है कि उसमें 3 महीने का जो पाठ्यक्रम है उसकी आधा घंटा पौन घंटा जो भी अपना जिस प्रकार से लेशन होता है उस प्रकार की पाठ्य योजना तैयार करने के लिए आग्रह किया है। दूसरा अभी स्थायी प्रवृत्ति के सभी आचार्य आ रहे हैं, अदर्थ को नहीं बुला रहे हैं, तो सब स्थानों पर सभी विषयों के आचार्य नहीं है, तो प्रत्येक संकुल में कि वो अपने अपने संकुल में जिन विषयों के वीडियो बनाने वाले हो रहे शिक्षक या आचार्य हैं तो उनको सूचीबद्ध कर लें एक टेबल बना करके उसमें, और जहाँ नहीं है वहाँ जो पूरी जिले की टीम अगर बनती है उसमें से जो सूची बनती है उसमें से आप वीडियो इत्यादि वो ले सकते हैं। प्रशिक्षण की दृष्टि से अलग से कोई इस प्रकार का प्रशिक्षण तो नहीं रखा, विद्यालयों के अंदर जैसे प्रवास हुए और हुए तो वहाँ बातचीत हुई और लगभग लगभग विद्यालयों के अंदर कंप्यूटर के अच्छे आचार्य हैं और अन्य उनके सहयोगी भी है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत कमजोरी जरूर है। अभी मॉनिटर की दृष्टि से हम ये सोच रहे हैं कि भी जिले के अंदर 2-3 स्थानों पर इस प्रकार के टीम बनाई जाए ताकि वो सारी उन वीडियो को चेक कर ले एक बार, ऐसा प्रयास एक बार जिले में चल रहा है। धन्यवाद जी। दिव्य जी हमारे बीच में, दिव्य जी जो लक्ष्मण जी ने बताया उसके अतिरिक्त जो जयपुर महानगर में हम कर रहे हैं, जो प्रांत में जो कर रहे हैं उसकी आप सबको जानकारी देने की कृपा करें दिव्य जी। अनम्यूट करें बहन जी, आपको अनम्यूट हो आपने। हाँ सर, इज आई ऑडिबल? जयपुर महानगर में हम लोग गूगल मीट के माध्यम से क्लासेस दे रहे हैं, तो हमारी वर्चुअल क्लासेस गूगल मीट के माध्यम से डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ में चल रही है और अभी तक ऐसा कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हम गृह कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं, गूगल फॉर्म्स के माध्यम से हम टेस्ट ले रहे हैं, झोटवाड़ा विद्यालय में गूगल फॉर्म्स के माध्यम से हमने टेस्ट लिया है जितना हमने पढ़ाया है अभी तक। धन्यवाद दिव्य जी। यस सर, वन मोर थिंग, हम लोगों ने पॉडकास्ट का भी प्रेजेंटेशन करके देखा था और पॉडकास्ट भी हम लोग जैसे कि जो थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज वाले पार्ट है हम उनमें पॉडकास्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बस जी,
नहीं सर, बस इतना ही हुआ है, गूगल मीट, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप, तो गूगल जो मॉनिटर है या नहीं? धन्यवाद दिव्य जी, ब्रह्मानंद जी जुड़े हुए हैं, ब्रह्मानंद जी आप इनके अतिरिक्त कोई बात कहें? नहीं, वैसे सारा इन्होंने कह दिया, इन्होंने हमसे पूछ लिया था, दिव्या जी ने हमसे पूछ लिया था, वो बता दिया सारा, मीट चल ही रहा था रेगुलर, और गूगल क्लास का भी चल रहा है, वो इन्होंने जानकारी मांगी थी, इनको जानकारी हमने दे दी। धन्यवाद जगदीश जी, सवाई माधोपुर जिले में भी बहुत कुछ हो रहा है। जगदीश जी, सवाई माधोपुर जिले से संबंधित आप कुछ जानकारी दें यहाँ पर। हाँ भाई साहब, सभी विद्यालयों में व्हाट्सएप ग्रुप बना करके प्रत्येक विद्यालय में वीडियो बना करके जारी किया जा रहा है, और पूरे जिले का अब पाठ्यक्रम बना करके और उस प्रकार से आचार्य नियुक्त कर दिए हैं, और उनके आधार पर प्रथम टेस्ट का पाठ्यक्रम तय करके जिले में भेजना प्रारंभ हुआ, और जिले से पूरे विद्यालयों में रिलेटेड होगा, इस प्रकार की एक योजना बनाई है। दो विद्यालयों में ट्रिंकल लैब में स्मार्ट क्लास बनाई है, और उसके माध्यम से वीडियो बना करके काम प्रारंभ किया है। चार आचार्य अभी ऐसे गूगल फॉर्म्स, स्क्रीन, क्लासरूम और इन पर काम करना प्रारंभ किया है। एडिटिंग का काम कई जगह पर हो गया है, और वीडियो बनाने में प्रगति हो गई है। गृह कार्य मूल्यांकन की दृष्टि से अभी काम चल रहा है, देना प्रारंभ किया है, उसमें और प्रगति की आवश्यकता है, तो वो धीरे धीरे चल रही है। इस प्रकार के दो तीन चार किए हैं। मेरी अपेक्षा है कि एक बार इसको गति मिले, इस हेतु सवाई माधोपुर में भी एक के माध्यम से हमारा एक प्रशिक्षण भी रखा जाए, दो दिन का, एक दिन का, जो भी, तो वो सब अच्छी प्रकार से ट्रेंड हो सके और आगे के काम को बहुत गति मिल सके, इस ऐसी अपेक्षा। जी धन्यवाद जगदीश जी। और चित्तौड़ प्रांत से नवीन जी भाई साहब जुड़े हुए होंगे, नवीन जी भाई साहब चित्तौड़ प्रांत से संबंधित बताएं। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही नवीन जी की, तो कमलेंद्र जी या नवीन जी? हाँ, हेलो, आप बैठे हो? प्रांत स्तर पर एक व्हाट्सएप समूह बना हुआ है, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। व्हाट्सएप समूह बना हुआ है, उसमें सभी आचार्य अपने वीडियो डालते हैं, उन वीडियो को वैसे व्हाट्सएप यूट्यूब के माध्यम से भेजा जाता है। अभी वैसा कुल मिला के लगभग एक सर्वे किया गया है, तो पूरे प्रांत में 400 ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वीडियो बनाए, और लगभग 4000 वीडियो उन्होंने बना के डाले हैं। उन वीडियो को वैसे व्हाट्सएप वो यूट्यूब के माध्यम से ही भेजा जाता है। तो इस माध्यम से अभी अपने जो भूपेंद्र जी हैं और नवीन जी हैं, कमलेंद्र जी, इन्होंने वैसा किया, तो एक बार वो बता सकते हैं पूरा कि क्या कर रहे हैं जी। आपके पास में हेलो कमलेंद्र जी आए ना, इसके लिए जो प्रांत कार्यालय में है वो बता दीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही, कैसे मेरी आवाज नहीं आई एक बार? हाँ आ रही, आ रही। सिटी के लिए प्रांत कार्यालय में आईसीटी के लिए जो सुविधाएं भौतिक संसाधन है आपके पास? हम प्रांत कार्यालय में कैसे सोचेंगे स्टूडियो डेवलप करें, सभी आचार्यों को वहां पर बुलाएं, और वो वैसा आचार्य वहीं पर ही कंटेंट निर्माण करें एक जगह आकर के।
तो ज्यादा सुविधा होगी। अभी क्या होता है विद्यालय में उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, जैसे बोलने के लिए लंबी लीड वाला माइक हो, अच्छे कैमरे हो, अच्छा बोर्ड हो, ऐसा सोचते हैं कि एक जगह कहीं अपने स्टूडियो डेवलप करें और विषय अनुसार आचार्य को वहां बुलाकर कंटेंट का निर्माण एक जगह पर ही करें, ऐसी योजना बनाने का सोच रहे हैं। जी महेंद्र सिंह जी भी है प्रशिक्षण प्रमुख चित्तौड़ प्रांत के, तो वो भी यहाँ पर इनके अतिरिक्त कुछ जानकारी दें चित्तौड़ में क्या हो रहा है और प्रांत की भी कुछ जानकारी ज्यादा अच्छा रहेगा। जी चित्तौड़ में भाई साहब प्रारंभ से ही और विषयों के जिला समूह बनाए थे और एक एक विषय के प्रभारी प्रधानाचार्यों को बना करके पूरे जिले के आचार्य उस दृष्टि से वीडियो अपने उस समूह में डालते थे और वहां से फिर जिले में ऐसा हम लोग जारी करते थे। दूसरा प्रशिक्षण की दृष्टि से जो कठिनाई आती थी तो दोनों जिलों के सभी आचार्यों के हमने दो समूह बनाए थे, एक तो प्रगत जो था वीडियो बनाने में अभ्यस्त थे जानकारी रखते थे तो ऐसे आचार्यों की एक अलग से ट्रेनिंग करवाई अपनी ई पाठशाला की टीम ने आदरणीय राकेश जी भाई साहब के सानिध्य में ही, दो दिन का प्रशिक्षण ऐसे प्रगत जानकारी रखने वाले आचार्यों को दिया। दो दिन की कार्यशाला हमने नए आचार्यों की जो थोड़ा अभ्यस्त नहीं थे लेकिन फिर भी पीपीटी पीडीएफ इस दृष्टि से और अभ्यास करते हुए डाले, ऐसी ट्रेनिंग उनकी रही। आचार्यों के मोबाइल में कौन कौन से ऐप होना चाहिए वो सभी उनने जानकारी भी दी उस प्रशिक्षण के दौरान और होमवर्क भी ऑनलाइन किया ताकि आगे हम इसको किस प्रकार से जारी रखेंगे। जिला स्तर पर एक YouTube चैनल बनाया है जिसमें से सारा प्रसारण हम करते हैं। कई आचार्यों ने अपने खुद के YouTube चैनल भी बनाए हुए हैं, उसमें वो वीडियो बना करके उसकी लिंक भैया बहनों को इस प्रकार से भेजते हैं। जिला स्तर पर रिकॉर्डिंग हो सके तो इस दृष्टि से हम वहाँ एक कक्ष ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसमें ये छोटे मोटे इक्विपमेंट्स प्रशिक्षण की दृष्टि से हो और यहाँ आकर के रिकॉर्डिंग करें आचार्य ताकि उसको ठीक प्रकार से देख करके पूरे जिले में हम ऐसा प्रसारित कर सके, ऐसा प्रयत्न भी यहाँ चल रहा है। धन्यवाद महेंद्र जी, कुछ जानकारी महेंद्र जी अजमेर वाले कुछ बताएं। हाँ जी वैसे प्रणाम, अजमेर में भी लगभग हमने सभी को काइनमास्टर, गूगल फॉर्म, गूगल स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये चार पांच चीजों का प्रशिक्षण सभी विद्यालय स्तर पर दिया है। यहाँ बनने वाले कंटेंट को हमने एक टीम बनाई है जिला की, उसमें 5-7 कार्यकर्ता हैं, वो सब नंबर देते हुए ये तय करते हैं कि उसको हमारे विद्या भारती के यूट्यूब चैनल पर चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना। अपलोड जब ही करते हैं जब हमारे सारे 4-5 कार्यकर्ता वो बैठ करके निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद उनको अपलोड करते हैं। हमारे पास यूँ आईटी की अच्छी टीम है जिसमें कमलेंद्र यू साहब, नवीन जी, भूपेंद्र जी, मैं स्वयं, ऐसे 5-6 जने हम मिलकर के निर्णय लेने में सक्षम महसूस करते हैं अभी हम अपने आप को। लेकिन हाँ, अभी ये नीचे स्तर पर हर विद्यालय स्तर पर जाना जैसा प्रांत का आग्रह था वो करना बाकी है। हम शीघ्र जा रहे हैं, कोशिश चल रही है और ये कर लेंगे हम और अच्छे ढंग से हम ई पाठशाला ई लर्निंग जैसा देना चाहते हैं वैसा दे पाएंगे। जी धन्यवाद। कुछ जानकारी में सबका जो है अभी विवरण आया है उसके बाद में कुछ देना चाहूंगा। कक्षा 11-12 में उच्च माध्यमिक में विज्ञान संकाय से संबंधित जैसे अपने पास अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं और क्षेत्र स्तर तक भी वो आ रहे हैं और उनको देख रहे हैं, बड़ा अच्छा है, राकेश जी तक भी वो पहुँच रहे हैं, जोधपुर में गणित के बहुत अच्छे कंटेंट्स व्यासी बना के दे रहे हैं, जैसे ब्यावर से फिजिक्स में बहिन जी है, नाम नहीं जानता मैं, बहुत अच्छे उनके वीडियोज आ रहे हैं और साथ में ही जयपुर महानगर से भी है, ब्रह्मानंद जी को जानकारी है, सीकर से, सुजानगढ़ से, ऐसे 5-6 स्थानों से आ रहे हैं। साथ में ही ऐसे पूर्व छात्र जो बड़े इसमें साइंस के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कार्यरत है उनका भी आग्रह है कि वो भी अपने इस कार्यक्रम से, इस अभियान से जुड़े। उनसे भी बात चल रही है कि कक्षा 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऐसे फिजिक्स में सभी के बहुत अच्छे
कंटेंट्स बनाते हुए उनके वीडियो, उनके पीडीएफ, उनकी पीपीटी ये बनाने के लिए भी एक बैठक होगी जल्दी ही 2-4 दिन में, और फिर उनका सहयोग लेते हुए हमारे जो कक्षा 11-12 में क्षेत्र स्तर पर तीनों प्रांतों में ऐसे 20-25 व्याख्याताओं की जो सूची आई है वो टोली है, और उसके बाद में उनसे ये सारा चल रहा है, और कक्षा 11-12 में सोच रहे हैं कि क्षेत्र स्तर पर नियमित रूप से प्रतिदिन कंटेंट्स एक निश्चित प्लेटफॉर्म के थ्रू तो डाले जाए। साथ में ही आज की बैठक का एक ये भी विषय है कि हम हमारे प्रांतों में प्रांत स्तर पर इसको एक बहुत अच्छा वीडियो बनाए, बहुत अच्छी सारी इसकी व्यवस्था हो, हार्डवेयर अच्छे हो, सॉफ्टवेयर भी हो, इंटरनेट कनेक्शन की भी अच्छी हो, और उस केंद्र पर आईसीटी से तक के ऐसे कार्यकर्ता हो। जैसे हम यहाँ पर अभी 27 लोग उपस्थित हैं, इनमें से 5 से 7 बहुत अच्छे आईसीटी संबंधी तज्ञ है, नवीन जी सैनी है, दिव्या जी है, ब्रह्मानंद जी है, विशाल जी है, और हम सभी लगभग जानते हैं, परंतु हमारे साथ में राजस्थान में बहुत अच्छी टीम है एक आईसीटी से संबंधित। तो हम हमारे प्रांत स्तर पर भी एक स्टूडियो का निर्माण करें, वहाँ संसाधन जुटाएं, और फिर उसको आने वाले समय में जल्दी ही हम नियमित रूप से कंटेंट बच्चों तक, अपने भैया बहनों तक पहुँचाएं। इस बारे में भी एक बार जो प्रांत के निरीक्षक महानुभाव आदरणीय गंगा विष्णु जी नवी जी अपने विचार रखें, और फिर राकेश जी भाई साहब इस बारे में बताएं। जी गंगा विष्णु जी, गंगा विष्णु जी भाई साहब गंगा विष्णु जी अभी सुन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। तो नवीन जी, तो भाई नवीन जी ठीक है, आपका सुझाव ये वाणिज्य वर्ग के लिए भी अपने को विचार पड़ेगा, इसलिए एक मैसेज आया विक्रम जी का भी के और व्यवस्थित की रचना करके बनानी वाणिज्य विचार ठीक है बारे में बता रहे। जी जी राकेश जी भाई साहब, इतना आपने सब सुना है राजस्थान के बारे में जो कर रहे हैं, ये कुछ जिलों के आपके सामने एक नमूने के रूप में सारा वर्णन आया है, बाकी सभी जिलों में ये काम चल रहा है, और अभी तक जैसे जोधपुर प्रांत में 8,000 से अधिक वीडियो बनाए हैं, जयपुर प्रांत में भी 5,000 से अधिक है, चित्तौड़ में भी है, और हम यदि इन सब का आकलन करें तो पूरे क्षेत्र में 20,000 के लगभग आचार्यों ने वीडियो बना करके भैया बहनों तक पहुंचाए हैं। वह बात अलग है गुणवत्ता की दृष्टि से कि कितना है क्या है, और इसी दृष्टि से आपके सुझाव के अनुसार आज ये टीम बनी है, तीनों प्रांतों की टीम के यहाँ लोग उपस्थित हैं, आपने सब कुछ सुना है, तो इस बारे में आपकी क्या गाइडलाइन होगी, कैसे करना चाहिए, आप हमारे को अवगत कराएं, और उसके बाद में आदरणीय संगठन मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इस बारे में उनका मार्गदर्शन होगा। आदरणीय राकेश जी। जी जी भाई साहब बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, जोधपुर का भी, जयपुर का भी, और चित्तौड़ का, तीनों प्रांतों का जो व्रत आए उससे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो ठीक है, मतलब राजस्थान लीड करेगा ये टेक्नोलॉजी को, ये प्रसन्नता की बात है, बहुत अच्छा। और शिव जी भाई साहब की प्रेरणा लगातार मिल रही है तो और ही फोकस हो रहा है। एक प्रश्न ये आया था, सवाई माधोपुर में प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु आग्रह है, बिल्कुल भाई साहब आप जब भी कहेंगे राम मनोहर जी साहब के माध्यम से ये हो जाएगा। विक्रम शर्मा जी कह रहे हैं कि कला और वाणिज्य की चिंता हो, बिल्कुल कला और वाणिज्य के लिए विद्या भारती पाठशाला में ये सब मटेरियल आ रहा है। ई कंटेंट कैसे बनाए, इस पर मार्गदर्शिका बनाना ठीक होगा, ऐसा ये विचार विक्रम सिंह जी ने कहा है। विक्रम जी बिल्कुल ठीक है, ये सारी पीपीटी पीडीएफ जो है ये एक मार्गदर्शिका के रूप में है और वो अपन ने सबको भेजी है, और निश्चित रूप से आपको अगर सारी पीपीटी चाहिए, लगभग 30 विषय हैं उनकी चिंता होने के लिए, और अभी अभी एक हुआ है नरेंद्र कुमार जी ने कि ये जो पीपीटी आपने दिखाई है उसकी पीडीएफ मिल जाए तो बिल्कुल ये लीजिए भाई साहब, ये मैंने आपको चैट बॉक्स में एक लिंक पेस्ट कर दी है, उसको आप क्लिक कर लीजिए, उस लिंक को क्लिक कीजिए तो आपको वो जो है
पीडीएफ आपके उसमें ड्राइव में सेव हो जाएगी, करिए क्लिक। कामेंद्र जी, कमलेंद्र जी पीपीटी को क्लिक कीजिए, कमलेंद्र जी। यस दिनेश तिवारी जी, उस लिंक को क्लिक कीजिए। कर लिया वैसे, कर लिया। ओके ओके, आपके ड्राइव में आ गई होगी वो। ठीक है, ललित दवे जी आ गई आपकी ड्राइव में, हाथ खड़ा कर दीजिए ललित दवे जी। हाँ ओके, नवीन सैनी जी आ गई आपके ड्राइव में वो पीपीटी जो मैंने अभी दिखाई। ओके, हाथ खड़ा कर दीजिए। जी वैसे आ गई। हाँ ठीक है, तो ये जेपी शर्मा जी ऐसा आपका ने कहा था तो मिल गई आप। ठीक ठीक वैसा, तो ये जो है पीपीटी हम लोगों के हाथ में आ गई और वीडियो तो काफी अच्छे बन रहे हैं। आपने विद्या भारती ई पाठशाला की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि ढेर सारे जो अच्छी क्वालिटी के वीडियो वो बन रहे हैं और वो डल रहे हैं, और उसमें राजस्थान के कई मास्टर ट्रेनर्स हैं जो हमारे ब्रह्मानंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, नरेंद्र चाष्टा जी यहाँ बैठे हुए हैं कपासन के, ये लोग वीडियो बना बना कर ई पाठशाला की राष्ट्रीय उसमें भी जा रहे हैं, और एक खम्मा प्रजापति दीदी हैं वो जालौर की, सुरेश शर्मा जी हैं, सुरेश गर्ग जी हैं, और एक यशपाल कुमावत जी हैं, ऐसे कुछ लोग ये हैं। इसके अलावा कुछ विद्यालय जैसे जोधपुर का जो गंगा विष्णु जी ने दो तीन विद्यालय बताए थे उनके भी अच्छी क्वालिटी के वीडियो ई पाठशाला की जो वेबसाइट है उस पर डले हुए हैं। उसमें कला और वाणिज्य के भी वीडियो डले हुए हैं, मतलब जो वाणिज्य के अपने कुछ एक्सपर्ट लोग हैं उन एक्सपर्ट्स के लिए जो है वो वीडियो बनाने के बनाए हैं उन्होंने, अपन ने डाले। तो उसमें कक्षा 11 और 12 के कॉमर्स विषय के सभी प्रकार के वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पर विक्रम जी ने जो सुझाव आप लोगों के लिए दिया है कि हमारे जो विद्यालय में आचार्य उस पर भी फोकस कर सकें, विक्रम सिंह जी ये लिख रहे हैं कि और भविष्य के आचार्यों के लिए ये होना चाहिए मार्गदर्शिका, तो बिल्कुल भाई साहब इस पर हम तुरंत कोई ना कोई निर्णय करके इस एक मार्गदर्शिका इस प्रकार की छपा सकते हैं, और हो सकता है कि राजस्थान क्षेत्र में ही छप जाए वो, तो वो वैसा भी एक काम हो सकता है। अब केवल एक बात ये है कि क्या इस ई कंटेंट को नीचे तक पूरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए या प्रांत में पहुंचाने के लिए प्रांत स्तर पर इस प्रकार की वेबसाइट है क्या जिस पर हम मटेरियल डालें, सारे प्रांत के आचार्यों के पीडीएफ पीपीटी वीडियो और प्रांत के सारे बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें, ऐसी कहीं प्रांत में कोई वेबसाइट है क्या तीनों प्रांतों में, जोधपुर में, चित्तौड़ में नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है सर, जोधपुर में, जोधपुर में भी नहीं है, राजस्थान क्षेत्र की वेबसाइट है और जयपुर प्रांत की वेबसाइट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक बात है, क्षेत्र और प्रांत की है, जयपुर प्रांत की है, उस पर ये सारा का सारा मटेरियल डलना शुरू हो जाए। दूसरा एक जो अगले वर्ष के लिए अपने को तीनों प्रांतों में ई पाठशाला प्रांत स्तर पर जिसमें आचार्य जुड़े हों और वो विद्यालय अपने स्तर पर गूगल क्लासरूम में अपनी पाठशालाएं शुरू करें, तो प्रांत स्तर पर ई पाठशाला का संचालन करने के लिए तीन नाम अगर आप लोग अगर बता सकते हैं जिनसे हम बाद में कोऑर्डिनेट कर सकें और उनके माध्यम से वो ई पाठशाला अच्छी चल सके, तो ऐसे तीन नाम कौन कौन से हो सकते हैं उस पर अगर अभी बताएंगे तो ठीक है, और नहीं तो बाद में बताकर आप बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे कोई ध्यान में है क्या तीनों प्रांतों में? जी राकेश जी भैया, तो जी जी तो हम आपको ये ठीक बाद में क्योंकि 1 जुलाई से शुरू होनी है, तो 1 जुलाई के पहले अगर आ जाएंगे तो उनका थोड़ा प्रशिक्षण हो जाएगा। और प्रांत स्तर पर अगर विद्या भारती ई पाठशाला जयपुर प्रांत, चित्तौड़ प्रांत, जोधपुर प्रांत इस प्रकार के फेसबुक पेज बन जाते हैं जिस पर ये मटेरियल डालें तो पब्लिक डोमेन में भी जाए और बच्चे भी उसको देख सकें और समाज भी देख सके कि विद्या भारती एक अच्छे काम में लगी है, तो एक फेसबुक आईडी जो है फेसबुक पेज तीनों प्रांतों का अगर विद्या भारती पाठशाला जोधपुर राजस्थान चित्तौड़ ऐसा बन सकता है तो एक वो अच्छा होगा। यूट्यूब चैनल भी एक प्रांत स्तर पर बनना चाहिए और प्रांत स्तर पर जो सिलेक्टिव वीडियो है चयनित वीडियो उनको वहां प्रकाशित करें जिससे कि प्रांत के बाकी जगह भी विद्यालय उसका उपयोग कर सके, तो ये कुछ तीन कामों पर आप लोग जो है और विचार करिए। और जो 7-8 लोगों की या 10 लोगों की प्रांत स्तर पर एक टोली हो जो ई कंटेंट के बारे में विचार करे, आज नहीं हो सकती, उसका निर्णय कब आप लोग करेंगे बातचीत करके और उस टोली को बनाकर
वो आप देंगे और वो आपस में बैठकर बातचीत करती रहे, एक काम उस पर भी फोकस करना चाहिए और उनके बैठने का क्रम भी बन जाए कि महीने में एक बार ये सारे कंटेंट आएंगे उनको चेक करना, उनको उनमें क्या कमियां हैं, वो FAQ जनरेट हो रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल जनरेट हो रहा है कि नहीं, जो लर्निंग का जो नया मॉडल है उसके हिसाब से वो ई कंटेंट बने हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को देख कर जो है उस पर निर्णय करें, विचार करें, इस पर प्रांत स्तर की एक टीम बन जाए। AK लक्ष्मण सिंह जी कुछ लिख रहे हैं, तो लक्ष्मण सिंह जी ने लिखा है कि चुरू जिले में ऑनलाइन शिक्षण हेतु एक ऐप पर विचार कर रहे हैं, डेमो भी देखा है कल 6 बजे डेमो का। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया लक्ष्मण सिंह जी, और ये अगर एक ऐप ऐसा बन रहा है चुरू जिले का तो ये अच्छी प्रसन्नता की बात है, बाकी लोग भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो ऐसा ये तो मेरी ओर से बात यहाँ थी जो खत्म हो गई, केवल इस पर जो निर्णय वाला पार्ट है वो आप लोग बाद में करके जैसा भी हो। और इसमें आदरणीय शिवजी भाई साहब हमारे बीच में तो ज्यादा जी, रामानुज जी, आदरणीय संगठन मंत्री जी से निवेदन है कि सब कुछ सुनने के बाद में इस बैठक के विषय में हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें आदरणीय भाई साहब। सर्वप्रथम तो सभी कार्यकर्ता और पूर्ण निष्ठा के साथ इस ई लर्निंग कंटेंट जनरेशन और नीचे तक भैया बहनों तक विषय को संप्रेषित करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से लगे हुए हैं, इसके लिए सबका मैं हृदय से साधुवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। परंतु मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रत्येक भैया बहन तक और हमारी रीच कैसे हो, हमारी पहुंच कैसे हो। ये जो ई कंटेंट तैयार हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर हम कुछ डाल रहे हैं, पर अपने क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वर्ग है, मैं समझता हूं मोर देन 40% तो कम से कम होगा, जो अभी एंड्रॉइड फोन जिनके पास में नहीं है अथवा इस प्रकार के संसाधनों से जो युक्त नहीं है, उनके पास और हम किस प्रकार से ये कंटेंट भेज सकते हैं, और वो बालक भी कैसे अपडेटेड हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, उसके लिए क्या किया जाए, क्या हम कोई बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं क्या, या और कुछ इस प्रकार के सेंटर खड़े कर सकते हैं क्या, जहां पर कुछ बच्चों के लिए और शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था हो सके। तो सर्वप्रथम तो ऐसे जो अनरीच्ड बच्चे हैं, जैसे हम कहते ही हैं बार बार रीच टू अनरीच्ड, इन लोगों की चिंता करने के लिए हम कुछ योजना करें, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा भी एक बात आई, प्रांत लेवल पर कोई बहुत अच्छा स्टूडियो खड़ा करना। मेरा मानना है जैसे अभी ध्यान में आया कि ब्रह्मानंद जी बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं, एक अभी दीदी का नाम भी आया, वो भी बहुत अच्छे वीडियो बना रही है। तो ये जो बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं और ये जो संप्रेषित कर रहे हैं, मेरा मानना है कि इनके पास तो कोई बहुत बड़ी लैब नहीं होगी, बहुत स्टूडियो होगा। क्या इस प्रकार के जिला जिला के अंदर ऐसे कोई लघु स्टूडियो, एक बहुत अच्छा स्टैंड है, बहुत अच्छा क्वालिटी का एक और कैमरा है, और थोड़ा सा उस प्रकार का कोई एक साउंड प्रूफ कोई एक स्थान है, ऐसा कोई बहुत अधिक और जिसको अपन कह सकते हैं कॉस्टली भी नहीं हो और सहज रूप से जो हम तैयार कर सकते हैं, ऐसे
और हर जिला केंद्र पर इस प्रकार का एक लघु स्टूडियो निर्माण करना, और कुछ जो कॉम्पिटिटिव आचार्य हैं वो आचार्य अपने अपने घरों पर किस प्रकार के स्टूडियो तैयार करें। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है क्वालिटी। विद्या भारती की क्वालिटी नॉन चैलेंजेबल होनी चाहिए। तो इस तरह से बिना जांचे परखे लोकल लेवल पर कोई चीज तैयार की और विद्या भारती किसी भी साइट पर, जिले की किसी भी साइट पर उसको अपलोड कर दिया, तो वो पूरे संगठन को इफेक्ट डालती है। और इसलिए दी बेस्ट क्वालिटी वीडियो वही अपलोडेड होने चाहिए। तो थोड़ा सा क्वालिटी से समझौता मत करिए, और जिला लेवल पर और एक इस प्रकार की लैब तैयार हो जाए वो चिंता करिए। और जो सक्षम आचार्य है वो अपने घरों पर इस प्रकार का छोटा स्टूडियो अथवा एक छोटा इस प्रकार का और कोई वीडियो तैयार करने के लिए कोई एक व्यवस्था डेवलप करें, जेनरेट करें। और बाकी जो राकेश जी ने कहा है, ये जितने भी प्रकार के और शिक्षण के टेक्नोलॉजी के एप्स है अथवा व्यवस्थाएं हैं, उनसे हम सब बहुत प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित हों, ताकि समाज में एक बहुत पॉजिटिव संदेश जाए कि विद्या भारती इस समय राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र को बहुत अच्छे ढंग से लीड कर रही है। तो हम सब लोग इस प्रकार की मानसिकता से और अभिप्रेत होकर काम करें। फिर उसके साथ साथ और अपनी जो नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है वो भी बच्चों के पास में कैसे प्रभावी ढंग से पहुंचे, उसके पीछे मेजर कारण है। हमारी पहचान केवल शिक्षण कार्य नहीं है, तो हमारी पहचान समाज में क्वालिटेटिव दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, मूल्य आधारित शिक्षा की दृष्टि से बेस्ट लोग सप्लाई करना है। तो इस टेक्नोलॉजी का बच्चों के घरों पर ऐसा भी कोई संदेश जा सकता है क्या जिसमें से अभिभावकों को भी बहुत अच्छा संदेश मिले और बाकी समाज के लोगों को भी बहुत अच्छा संदेश मिले? क्योंकि बहुत बड़ा समाज का वर्ग ऐसा है।